नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल विधानसभा बाल सत्र पेपर लीक की शर्मसार घटना ने दर्शाई सरकार की अयोग्यता, ओपीएस देने का उठाया सवाल। बाल सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। विपक्ष के बाल उपनेता हरिओम ने कहा कि पेपर लीक की घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया है, मामले में सरकार की अयोग्यता को दर्शाया है। ये घटना लापरवाही नहीं, सरकार की संगठित नाकामयाबी है। नेताओं की अनियंत्रता इसे साबित होती है। सरकार का दावा है कि शिक्षा सिस्टम को मजबूत कर रही है, लेकिन पेपर लीक बता रही है कि इनकी नीतियों की सच्चाई कुछ और ही है। पेपर लीक मामले में कितने दोषियों को सजा दिलाई है या ये माने कि सरकार का दोषियों को संरक्षण प्राप्त है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य साक्षी चौहान ने सवाल पूछा कि एक वर्ष में कितनी सरकारी परीक्षाएं करवाई गई, कितनी परीक्षाएं पेपर लीक होने से रद्द हुई। जवाब में बाल शिक्षा मंत्री मिशेल ने कहा कि एक वर्ष में दो सरकारी परीक्षाएं हुई, दो को रद्द किया गया। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। हमीरपुर आयोग का मामला कोर्ट में है। विपक्षी सदस्य शालिनी ठाकुर ने 75,000 करोड़ कर्ज के बावजूद ओपीएस देने का सवाल उठाया। सीएम सुक्खू के गृह जिले से भाजपा के चुनावी बैठकों का आगाज। विधानसभा चुनावों में हुई थी करारी हार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र हमीरपुर में सोमवार को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक ने जून की तपती गर्मी में सियासी पारा और चढ़ा दिया है। भाजपा ने कोर ग्रुप की बैठक का लोकसभा चुनावों के बिस्तार पे छा दी है। इसके राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सोमवार दोपहर बाद हमीरपुर पहुंचे भाजपा के शीर्ष नेताओं के कारण जिला मुख्यालय में काफी चहल पहल रही। 6 माह पूर्व विधानसभा चुनावों में हमीरपुर जिले में भाजपा को जिले की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस करारी हार के साथ संसदीय क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक जमीन व चूल्हे हिलती नजर आ रही है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा क्षेत्र है। इनमें 5 सीटों पर भाजपा विधायक है। दूसरी तरफ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में न केवल मुख्यमंत्री सुक्खू बल्कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत विधायकों की जंबो टीम सामने है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताल्लुक रखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप धर्मशाला में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम खेलेगी वर्ल्ड कप के मैच। अक्टूबर नवंबर में होने वाली आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बड़े मैचों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें धर्मशाला में अपने मुकाबले खेलेंगी। भारतीय टीम के एक मैच के अलावा अन्य मेहमान टीमों के मुकाबले धर्मशाला स्टेडियम में होंगे। जानकारी के मुताबिक भारत में होने वाली आईसीसी विश्व कप में धर्मशाला स्टेडियम को 3 से 5 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। हिमाचल में मटर का बंपर उत्पादन, किसान हो रहे मालामाल, पिछले साल के मुकाबले दोगुना हुई फसल। इस वर्ष हिमाचली मटर ने प्रदेश के किसानों को मालामाल कर दिया है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सोलन सब्जी मंडी में दोगुना मटर की फसल पहुंची है। खास बात यह है कि किसानों को इस वर्ष मटर का रेट भी काफी अच्छा मिला है। हिमाचल मटर इस वर्ष मंडी में 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक बिका है। मंडी में पहुंचा 15,000 क्विंटल मटर। जानकारी के अनुसार सोलन सब्जी मंडी में सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी व कुल्लू जिला से किसान मटर लेकर आते हैं। मई माह के पहले सप्ताह में मटर आना शुरू हो जाता है और जुलाई माह के पहले सप्ताह तक मटर मंडी में पहुंचता है। रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए आज से बहाल। रोहतांग दर्रे की बहाली का इंतजार कर रहे देश भर के पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। कुल्लू प्रशासन ने पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे को बहाल कर दिया है। मंगलवार से पर्यटक रोहतांग दर्रे का दीदार कर सकेंगे। डीसी आशुतोष गर्ग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीआरओ ने 4 दिन पहले ही दर्रे के दोनों छोर जोड़ दिए थे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था न होने से पर्यटकों को रोहतांग दर्रा नहीं भेजा जा सकता था। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने भी दर्रे का दौरा किया था और बीआरओ सहित शासन को दर्रा जल्द बहाल करने के निर्देश दिए थे। दर्रे की बहाली होते ही मनाली के पर्यटन कारोबारियों में खुशी का माहौल है। पर्यटन कारोबारियों संदीप सूद, रोशन राणा व विनाश बोध ने कहा कि मनाली में पर्यटकों का सैलाब उमड़ेगा। डीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि मंगलवार से पर्यटक रोहतांग दर्रे तक जा सकेंगे।